Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So last video जो हमारा था उसके अंदर हमने distillation and sublimation के बीच का difference देखा था. उसी chapter के अंदर आपको एक दूसरा भी बहुत important short note मिल जाता है जो कि है crystallization. ठीक है, ये हमेशा papers के अंदर रहता है as a short note. ठीक है, तो आज हम उसकी पूरी प्रोसेस और उसको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है वो देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है. देन सिंपली हमें पता चलेगा कि जो क्रिस्टल बनते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, सो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन अ लिक्विड, दैट मीन्स कि अगर कोई सॉलिड चीज है उसको हमने लिक्विड के अंदर डाला, ठीक है, प्लस सैचुरेटेड एट द हायर टेम्परेचर. मतलब कि सपोज यू समझ लो कि तुमने पानी को एक पतीले के अंदर गर्म करने के लिए रखा है, उसके अंदर तुम थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर सॉलिड सब्सटेंस मतलब कि जो शुगर है वो डाल रहे हो. आपने बहुत सारे शुगर डाल दी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड एक तो सॉल्यूशन हुआ वो, प्लस आपने उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर बनाया है. अब क्या करोगे, अलाउ टू कूल डाउन इट इन यूजुअली फाउंड दैट द क्वालिटी ओके. ठीक है, अलाउ टू कूल डाउन इट मतलब कि आपने इसको अच्छे से मिला दिया, अच्छे से सैचुरेटेड एक लिक्विड बनाया, उसके बाद उसको कूल डाउन होने दिया, दैट मीन्स कि उसको ठंडा कर दिया, स्टॉक को बंद कर दिया. उसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि जो क्वांटिटी थी, ठीक है, सॉलिड की, वो क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगी, प्लस जब वो ठंडा होता है तो उसके बॉटम के अंदर वो डिस्पोजिट हो जाएगी. ठीक है, सॉल्यूशन इज डिस्पोजिटेड एट द बॉटम स्पॉन्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, बॉटम के अंदर वो जम जाएगी और ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, और वो जो पार्टिकल्स बने होंगे वो सारे जियोमेट्रिकली सेम शेप के रहेंगे और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्रिस्टल्स. ठीक है, और ये जो सारी हमने प्रोसेस करी, स्टव के ऊपर पानी रखा, उसके अंदर शुगर डाला, गर्म किया, उसको ठंडा किया, उसमें से हमको क्रिस्टल्स मिले, ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को और उस क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, सिंपल आपको यही डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो अगर नहीं लिखोगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है. उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, जो कि सेम है, जो कि हमने यहाँ पर उसका डेफिनेशन हमने देखी थी, सेम वे में उसका प्रिंसिपल भी वैसा ही है. ठीक है, सेकेंड थिंग आपको लिखनी है डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन मेथड्स लिखेंगी, तीन तरीकों से आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, किसी भी जो सॉलिड चीज है उसके क्रिस्टल्स बना सकते हो. क्रिस्टल्स इन शॉर्ट क्या होते हैं कि जो वो सॉलिड है जिनके हम क्रिस्टल्स बनाने वाले हैं वो उसके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं. ठीक है, तो कौन से तीन मेथड्स हैं, फर्स्ट वन विच इज इवोपरेटिंग, जो कि मैंने आपको समझाया था अभी कि स्टव के ऊपर पानी वगैरह रखना है, शुगर वगैरह करना है, तो वो क्या हो गई, इवोपरेटिंग मेथड हो गई. सेकेंड है सब्लिमेशन, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सब्लिमेशन समझा था. अगर सेम आप वाटर एंड शुगर का जो मिक्सचर है वो लोगे तो उसके अंदर भी आपको सब्लिमेशन मिल जाएगा. ठीक है, जिसके अंदर की हम लिक्विड स्टेट नहीं लाते. सेकेंड थर्ड वन है सॉलिडिफिकेशन, उसके अंदर क्या होता है कि हम सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. तो ये तीन मेजर मेथड्स के आपको नाम याद रखने हैं जिसको कि हम क्रिस्टलाइजेशन की मेथड्स कहते हैं. सेकेंड थिंग है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमने क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हुए हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मतलब कि दो चीजों से आप कर सकते हो. सो फर्स्ट वन के अंदर क्या है कि आपको पहले जो लिक्विड है उसको वाटर के अंदर डालना है और सेम चीज आपको करनी है, लेकिन उसके अंदर जो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे. सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको क्या बताना है कि जो आपको छोटे वाले क्रिस्टल्स मिले थे उनकी साइज आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो. ठीक है, यही है इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. अब इनको डिटेल में समझते हैं. सो फर्स्ट वन के अंदर क्या है, इन अ लार्ज बीकर वाटर इज टेकन एंड द शुगर इज मिक्स. ठीक है, सेम चीज है, एंड देन मिक्सचर इज हीटेड फॉर द
बॉइलिंग। उसके बाद हमें क्या करना है कि शुगर उसके अंदर ऐड करते जानी है, कब तक? अंटिल नो सॉलिड पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड टू ऑन द हीटिंग, मतलब कि जब पानी गर्म हो रहा है तो उसके अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं रह रहा है, तब तक हम शुगर को डालते रहेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि देन मिक्सचर इन द हॉट स्टेट इज फिल्टर्ड आउट बाय द फिल्टर पेपर, हमें उसको फिल्टर करना है। देन फिल्टरेट इज हीटेड अगेन ऑन द बंसिन बर्नर, ठीक है, हमने दो बार इसको हीट किया है, दो बार गर्म किया है, अंटिल द सॉल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड बाय द इवोपरेटिंग द वॉटरी पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें जो अगेन जो फिल्टर किया हुआ सॉल्यूशन है उसको अगेन इतना ज़्यादा हीट करना है कि उसका जो वॉटर वाला पार्ट है वो पूरा इवोपरेट हो जाए और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, जो क्रिस्टल्स है वो। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड स्टिल उसके अंदर कुछ लिक्विड का पार्ट रह जाता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इन अगेन उसको बीकर में लेंगे और एक कूल एनवायरनमेंट पे, इन शॉर्ट यू समझ लो कि फ्रीजर में हमने रख दिया, कितने, एक दिन के लिए। आफ्टर वन डे क्या होगा कि क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे किसके, शुगर के बॉटम के अंदर, एंड लिक्विड पोर्शन ऑफ द बॉटल बी डिकेटेड ऑफ द क्रिस्टल्स विल बी ड्राई ऑन द ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। तो हमको क्या मिल गए, क्रिस्टल्स, लेकिन ये क्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें क्या करेंगे, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, CuSO4 का एक मिक्सचर लेंगे बिगर के अंदर, उसको अच्छे से हीट करेंगे, हीटिंग देंगे उसको, देन क्रिस्टल ऑफ CuSO4 हमको मिलेगा, देन अगेन उसको अच्छे से स्टेयर करेंगे, अच्छे से उसको बांध देंगे एक जगह पर, एंड सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ द CuSO4 विद हेल्प ऑफ द स्टैंड, मतलब कि ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो उसके अंदर सपोज कि ये CuSO4 का ही एक सॉल्यूशन है और ये हमने जो डोरी के साथ हमने जो ये चीज बांधी हुई है वो भी CuSO4 का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमने इसको इसी सॉल्यूशन के अंदर बांधा है, तो जब हम उसको ठंडा करेंगे तो हमें इसके बड़े बड़े वाले क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द सॉल्यूशन बिकम कोल्ड इट विल बी सीन ऑन द CuSO4 ऑफ द सॉल्यूशन डिपॉजिटेड बाय द साइड ऑफ द सस्पेंडेड CuSO4, मतलब कि ये जो हमारे स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ पार्ट है उसके अंदर हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे जो कि बड़े साइज में होंगे, ठीक है। अब आता है कि ये जो सारी हमने प्रोसेस देखी, ये जो सारे हमने मेथड्स देखी, उनका एप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए हम उसका कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो हमें प्योरिफिकेशन ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो देखने के लिए कि कितने साइजेस के हैं और अच्छे से बने हुए हैं या नहीं है, वो देखने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और वो प्रोसेस भी कौन सी होती है, तो स्टेप्स प्रोसेस कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये भी एक चीज याद रखना, आपको MCQ में या फिर तो वाइवा में पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हमने जो सैचुरेटेड हमारे पास सॉल्यूशन था वो क्या करता है कि उसके अंदर अगर ज़्यादा पानी डालो तो वो पानी के जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ज़्यादा मिक्स होता है और उसके बाद जो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बस इतना ही इसके अंदर कुछ चेंजेस है, तो ये अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, ठीक है। आपको बस इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, सेम वे उसके प्रिंसिपल लिखोगे, उसके मेथड्स के नाम याद होने चाहिए, एंड एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए, और लास्टली होम्योपैथी में इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, ठीक है। और ये फिगर भी आप बना सकते हो जब आप CuSO4 वाला एक्सपेरिमेंट लिखोगे तब, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।